हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार, टेक केयर बीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे करेंट अफेयर 2021 जो कि जनवरी से सितंबर तक के 750 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हम यहां पर कवर कर रहे हैं, उसका हम इसमें अगला पार्ट देखेंगे। यदि आप आने वाले 67वां बीपीएससी पीटी बिहार एसआईपीटी आरआरबी एनटी पीसी का मेंस ग्रुप डी एसएससी जेडी इन सभी किसी भी एग्जाम में भाग लेने वाले हैं तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस सीरीज का हम आपको पार्ट 8 तक करा चुके हैं, ये जो है आपका पार्ट 9 होगा, ध्यान रखें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसके सभी प्रश्न को। यहाँ पर सबसे पहला आपका प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2021 से किनको सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखें डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 2 कि आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किनको सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखें डीआरडीओ के अध्यक्ष जो कि हैं जी सतीश रेड्डी, इनको आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आपका है पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखें पैराडाइज पुस्तक के लेखक जो है अब्दुल रजाक गुरनाह है, जिनको नोबेल पुरस्कार 2021 से साहित्य के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 आपका है कि कर्मोदय ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखें कर्मोदय ग्रंथ पुस्तक के लेखक अमित शाह जी हैं। अगला प्रश्न आपका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में किनको नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में अभी अमित खरे जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 6 कि मेरा घर मेरो नाम योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है, तो ध्यान रखें पंजाब सरकार ने मेरा घर मेरो नाम योजना की शुरुआत वहां पर की है। प्रश्न संख्या 7 आपका है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखें राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो आपका है ये पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। आपका है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किनको सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखें डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 9 कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किनको सम्मानित किया गया है, ध्यान रखें ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है तो इससे सम्मानित किया गया है डेविड डियोप को जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं और इनके उपन्यास का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, तो ध्यान रखें ये पुस्तक का नाम भी उपन्यास का नाम पूछा जा सकता है कि एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के सॉरी उपन्यास के लेखक कौन है, तो डेविड डियोप जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं और इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और ध्यान रखें कि ये फ्रांस के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि एक पुरस्कार था बुकर पुरस्कार, तो ध्यान रखें वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं था, बुकर पुरस्कार था जो कि दिया गया है डेविड गेलगुड को और वो उनका पुस्तक जो है द प्रॉमिस के लिए दिया गया है, तो ध्यान रखें इस प्रश्न से उस प्रश्न को आप कन्फ्यूज ना करें, दोनों अलग अलग पुरस्कार हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 10 कि तानसेन पुरस्कार 2020 से किनको सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखें तानसेन पुरस्कार 2020 से 2021 में सम्मानित किया गया है पंडित सतीश व्यास जी को, और ध्यान रखें कि तानसेन सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार संगीत के क्षेत्र में देता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 जो है आपका कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत इसमें शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है, तो शीर्ष स्थान पर जो है आपका केरल है, और बात करें कि इसमें सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का रहा तो बिहार का रहा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 आपका है कि काडंगी साड़ी और इरोल्ड हल्दी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया जिसका संबंध किस राज्य से है, तो ध्यान रखें काडंगी साड़ी और इरोल्ड हल्दी जो है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और ध्यान रखें कि एक बार किसी वस्तु को जब जीआई टैग दिया जाता है तो उसकी वैलिडिटी जो होती है 10 साल तक की हो जाती है, तो प्रश्न भी पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 13 आपका है कि रज पर्व अथवा राजा पर्व किस राज्य में मनाया गया, तो ध्यान रखें हाल ही में रज पर्व अथवा राजा पर्व ओडिशा में मनाया गया, ये पृथ्वी देवी की पूजा से संबंधित एक त्यौहार है जिसमें 3 दिनों तक पृथ्वी में धरती पर कोई भी फसल की बुआई नहीं की जाती है और चौथे दिन धरती माता को स्नान करा करके पुनः रोपाई बुआई शुरू कर दी जाती है, तो ध्यान रखें रज पर्व अथवा राजा पर्व उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 14 कि हाल ही में मांडू महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ध्यान रखें मांडू महोत्सव जो है ये मध्य प्रदेश में किया गया है और इस बार इसका विषय जो था कि खोजने में खो जाओ।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 आपका है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिए राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 है कि राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिसर को कहाँ पर विकसित किया जाएगा। तो ध्यान रखिए राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिसर को लोथल गुजरात में विकसित किया जाएगा। और ये जो लोथल आपका है ये सिंधु घाटी संबंधित है, सिंधु घाटी का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, तो वहाँ से कनेक्ट करके इस प्रश्न को आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 है कि सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो ध्यान रखें सतत विकास में भारत का 120वां स्थान रहा है। और बात करें कि प्रथम देश कौन था, तो प्रथम देश आपका फिनलैंड है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135वां रहा है और प्रथम देश आइसलैंड रहा है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19 आपका है कि गरुण 6 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ। तो ध्यान रखें गरुण 6 सैन्य अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच संपन्न हुआ है। प्रश्न संख्या 20 आपका है कि जयपुर 2021 सैन्य अभ्यास का संबंध किन देशों से है। ये भारत और रूस से संबंधित है जयपुर सैन्य अभ्यास। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है कि ईडा तूफान का संबंध किस क्षेत्र से है, किस क्षेत्र में आया था। तो ध्यान रखें अमेरिका के पूर्वी तट पर आया था ईडा तूफान। और अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखें प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है गांधीनगर गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 आपका है कि भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखें भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आपका है कि जून 2021 में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। तो हाल ही में WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न और इस सेट का सबसे अंतिम प्रश्न आपका है कि कोरोना मुक्त होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ध्यान रखें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त हो गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।